हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नाश्ता तैयार किया है, जो है आलू टिक्की चाट, जो मटरा से बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अपने आप में ही एक लंच की डिश है। अगर आप बना के इसको छुट्टी वाले दिन लंच करा जाए, लंच के टाइम पर बनाया जाए, तो इससे सबका भरपूर पेट भरेगा। आलू की टिक्की है, साथ में मटर है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। और स्ट्रीट चाट इसको बोलिए आप, हमने इसे घर में बनाया है और कितने अच्छे तरीके से बनाया है। घर की चीज़ तो वैसे ही साफ़ सुथरी ज़्यादा होती है, बजाय बाहर के आप घर में बना के खाएं तो बहुत ही अच्छा है। और छुट्टी वाले दिन तो इसे बहुत ही इंजॉय किया जाता है, क्योंकि सब लोग घर में होते हैं, सबके लिए एक नए तरीके का नाश्ता बन जाता है। तो चलिए इसे बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए मटर एक कटोरी ले ली, ये वाला। इसके अंदर हम दो कटोरी पानी डाल दें। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूंगी। चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, देगी मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कुटी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। आप सोच रहे होंगे अभी से ही मैंने इसके अंदर सारे फ्लेवर डाल दिए। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। और ये थोड़ा सा कटा हुआ मैं प्याज डालूँ, ये पूरी फ्लेवरफुल बनेगी, क्योंकि इससे तो बाद में डालते हैं तो इस मटर में मिल नहीं पाते हैं, मसाले फीके फीके रहते हैं। हमने पहले इसमें डाल दी कि सारे मसाले मटर के साथ उबलेंगे और अच्छी तरह जो मसालों का फ्लेवर है वो मटर के अंदर आ जाएगा। तो चलिए अब हम गैस चालू करते हैं। इसके अंदर सारे मसाले डल गए हैं। हम इसके अंदर तीन या चार सीटी लगाएंगे और हमारे मटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। जब तक हमारे मटर उबल रहे हैं उसके बीच में हम सब ये टिक्की की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू उबाल के ठंडे करके उनको, अगर आप इमीडिएट उबाल रहे हो तो ठंडे करने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं। ठंडे आलूओं के अंदर हम लोग मसाले मिलाएंगे तो बहुत अच्छी तरह अच्छा रहता है। अगर गरम मसाले में मिलाएंगे तो आलू हमारे थोड़े पिछले से रहते हैं, चिकने से रहते हैं। तो चलिए अब मैं आप इसके अंदर सारे मसाले डालती हूँ। सबसे पहले मैं ये धनिया डालती हूँ इसके अंदर, क्योंकि हमें फुल फ्लेवर में टिक्की चाहिए। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, कुटी हुई लाल मिर्ची जो दिखने में बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा धनिया डालेंगे। इसको हम कुरकुरा बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और सुपर टेस्टी करारा करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच रवा। अब हम इन सारे मसालों को इस तरह मिला लेंगे। देखिए कितने फर्स्ट क्लास हमारा आलू का डो तैयार हो गया है। आलू हमारे ठंडे थे तो इसमें हमने जो जो चीज़ें इसके अंदर मिलाई हैं वो ठीक तरह से मिली हैं, नहीं तो अगर हम इसके अंदर वो डालते हैं कॉर्नफ्लोर तो वो चिपचिपा हो जाता है। अब हम इस तरह लेके ये देखिए हम टिक्की की शेप दे देंगे और इस तरह टिक्की बनाएंगे। ऐसे मसाले पहले डालने से देखिए कितनी अच्छी हमारी टिक्की फ्लेवरफुल लग रही है और कितनी कलरफुल लग रही है। इस तरह हम ये उठाएंगे एक और, ये देखिए हमारी सारी टिक्की बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई करते हैं। तेल भी हमारा गर्म है। अब हम इन टिक्कियों को हम स्लो मीडियम पे ही सेकेंगे, तभी हमारी टिक्कियाँ अच्छी कुरकुरी बनेंगी। ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास हमारी टिक्की सेक रही है। अगर हमारा कॉर्नफ्लोर और सूजी नहीं इसके अंदर डली होती तो यानी कि हमारा रेशियो जो है वो परफेक्ट है, नहीं तो हमारी टिक्कियाँ फट जाती हैं। ऐसे ही हमें इन्हें घुमा के पलट के इनको सेंकना है। हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिलाया है और 1 चम्मच हमने इसमें रवा मिलाई थी।
डालने को तो बहुत से लोग इसके अंदर राइस फ्लोर डालते हैं, चावल का आटा, लेकिन मैंने उसे डालना नहीं समझा क्योंकि वो उससे मैंने एक बार डाला था तो टिक्कियाँ उससे मेरी हार्ड हो गई थी, तो इसलिए मैंने इस बार वो नहीं डाला है। चावल का आटा इस बार मैंने सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी एक चम्मच रवा डाली है बारीक वाली, और एक चम्मच दो चम्मच मैंने इसके डाला है कॉर्नफ्लोर। तो इससे मेरी टिक्की का आप कुरकुरापन देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी बजा के किस तरीके से कितनी बढ़िया कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है, और देखिए सीख भी कितनी अच्छी रही है। बस हमारी टिक्की दोनों तरफ से बढ़िया सीख गई है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद, कितनी कुरकुरी बनी है और सीखी भी बहुत बढ़िया है। फर्स्ट क्लास हमारे मटर हो गए हैं, बस हमें ऐसे ही चाहिए थे। आपको मैं दिखाती हूँ दबा के, तो देखिए। चलिए अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं, क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए थे, तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, फीके फीके से नहीं लगेंगे, बहुत बढ़िया फ्लेवरफुल हमारे मटर तैयार हुए हैं। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर हम अपने टिक्कियाँ डालेंगे, ऊपर से थोड़े से और मटर डालेंगे, और हम इसके अंदर धनिया पत्ती डालेंगे अपनी थोड़ी, बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी प्याज काट के डालेंगे जिससे और भी टेस्टी लगे, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैं काला नमक डालूंगी इसके ऊपर जो चाट के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, अगर आप डालना चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वाइट नमक भी डाल सकते हैं। अब हम ये इसके अंदर दही डालेंगे, दही को हमने अच्छी तरह फेंट के उसके अंदर थोड़ा सा हमने शुगर डाली है जिससे वो मीठा लगे, ये हमारी मीठी खट्टी मीठी चटनी। थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर हरी तीखी चटनी, और हम थोड़े से अपने इसके अंदर अनार डालेंगे। बाजार के स्टाइल में घर की बनी हमारी आलू टिक्की चाट कितनी फर्स्ट क्लास लग रही है देखने में भी, और खाने में तो लाजवाब है। तो आप भी इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए, आप खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।